रूस के हमले अब यूक्रेन को जीतने से ज्यादा उसे बर्बाद करने पर फोकस करते नजर आ रहे हैं। रूस अब उन इलाकों पर हमले तेज कर रहा है जिसको वो यूक्रेन से अलग करना चाहता है, और इसमें उसके निशाने पर है डोनबास और दोनेस्क, जहां बमबारी एक बार फिर टहला रही है। यहां पर मैसिव एक्सप्लोजन्स की आवाज सुनाई दे रही है। हम डोनेस्क सिटी में हैं, आउटस्कर्ट्स में मेजर गन फाइट हो रहा है। मरिंका में बहुत ही बड़ी लड़ाई चल रही है यूक्रेनियन फोर्सेस और रूस और डोनबास के पीपल्स मिलिशिया के बीच। और जब हम यहाँ पे आए तब इतने एक्सप्लोजन नहीं सुनाई दे रहे थे, लेकिन वही दिन था जब प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि अगला पड़ाव मिलिट्री ऑपरेशन का यहाँ डोनबास रीजन में, यानी कि डोनेस्क और लुहांस्क में होने वाला है। तो आज बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन की आवाज सुनाई दे रहे हैं। हम जाएंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है इन आउटस्कर्ट्स में भी। लेकिन अभी यहाँ पर अगर आप देखें, सिटी खाली हो गया है, बहुत कम लोग, वैसे भी बहुत कम लोग नजर आते हैं, लेकिन सब घरों के अंदर चले गए हैं। और यहाँ पर भी बंकर्स होते हैं, तो बंकर्स में चले गए होंगे अगर अलर्ट उन्हें मिला होगा। यूक्रेन कीव सिटी की तरह यहाँ पे एयर रेड सायरन्स नहीं बजते हैं, लेकिन एक्सप्लोजन्स की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। यूक्रेन को जब जब लगता है कि वो रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, तब तब रूस उसे बताता है कि वो महाशक्ति क्यों है। रूस अभी तक यूक्रेन के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी हिस्से को निशाना बना रहा था, लेकिन अब उसकी जद में यूक्रेन का पश्चिमी इलाका भी है। धुएं का ये गुबार लवीव शहर से उठ रहा है। यहाँ रूस ने तेल के एक ठिकाने पर मिसाइल हमला किया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी गाइडेड मिसाइल ने लवीव रेडियो रिपेयर प्लांट और यूक्रेन के एक बड़े तेल डंप को तबाह कर दिया। रूस ने करीब 117 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। लवीव ही नहीं, कीव पर भी रूस के मिसाइल हमले जारी हैं। लवीव से जब हमारी टीम कीव पहुंच रही थी तो धमाकों की आवाजें उन तक आ रही थी। समय आज तक कीव पहुंच चुका है, हम रात भर चलते हुए कीव पहुंचे हैं और लगातार यहां बमबारी भी हो रही है और बमबारी की आवाजें आ भी रही हैं। ये कीव के जो आउटस्कर्ट्स का इलाका है, जो गांव का इलाका है, उन्हें भी अब निशाना बनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि इससे पहले लोग शहर छोड़ छोड़ के गांवों में जा रहे थे, उनको ये उम्मीद थी कि गांव सुरक्षित रहेंगे, और यही कहा भी जा रहा था कि केवल शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इस समय स्थिति यह है कि कीव के आसपास के गांव भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां पर सैन्य तैनाती काफी बड़ी संख्या में है। गांव से ही डिफेंड किया जा रहा है जितने भी रास्ते कीव में आ रहे हैं, इसीलिए रूस की सेना अब कीव के इन गांवों को भी निशाना बना रही है। कल रात भर काफी फायरिंग हुई, शेलिंग हुई, रुक रुक के धमाकों की आवाज सुनाई देती रही है। यहां पर रूस की सेना कीव को कब्जे में लेने की जल्दी में नजर आ रही है, जब कीव के अंदर हवाई हमलों से सावधान करने वाले सायरन लगातार बज रहे हैं। राजधानी कीव में एक बार फिर एयर रेड सायरन बजता हुआ, और यहाँ लोगों को यही हिदायत दी जा रही है कि जल्दी से जल्दी वो किसी भी बिल्डिंग के अंदर चले जाए। तेजी से गाड़ियां निकल भी रही हैं। अगर आप पूरी तरफ इस पूरी सड़क पर देखें तो लोगों को यही हिदायत दी जा रही है कि वो सड़क से जितनी जल्दी निकल सके यहाँ से निकल जाए। एयर रेड सायरन लगातार इस पूरे क्षेत्र में बज रहे हैं, इनकमिंग मिसाइल का खतरा बताया जा रहा है। यूक्रेन के कई बड़े शहर बर्बाद हो चुके हैं। मारियूपोल से आ रही तस्वीरें भयानक हैं। 5.5 लाख लोग कभी इस शहर में रहा करते थे, लेकिन आज यहाँ टूटी फूटी इमारतें नजर आ रही हैं। मारियूपोल पर रूस बड़े हमले कर रहा है। अस्पताल, स्कूल, थिएटर, हर जगह जहाँ पर शेल्टर बनाए गए थे वहाँ बड़े हमले किए गए। अभी भी हजारों लोग मारियूपोल में फंसे हुए हैं। रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन की ओर से कई देशों से वॉलंटियर्स लड़ाके कीव पहुंच रहे हैं। हमने ऐसे दो लड़ाकों से बात की जो कनाडा और अमेरिका से यूक्रेन की मदद के लिए कीव पहुंचे थे। We're currently at the Kiev railway station. There's curfew in place. If you notice, it's pitch dark all around, and we have to stay here till 7 in the morning. But here I bumped into Marshall and John. Marshall is from the United States of America. John is from Canada. And gentlemen, what brings you here? And how do you intend to help them? I feel like with my military background, training, and experience that I've gathered while serving, I can utilize here.
teaching. So Marshall, incidentally, is a combat veteran. He served, he's had extensive tours of duty overseas with the U.S. Armed Forces. John, you're helping as a volunteer. What do you do? So I will be, I'm actually bringing donations from Canada. I'll be volunteering at the Medicamp border crossing, just helping refugees. I passed through there a couple days ago. I definitely need. रूस के रक्षा मंत्रालय ने खेरसन का एक वीडियो जारी किया जिसमें यूक्रेनी सेना की एक बारूदी सुरंग को रूस की फौज हटाती नजर आ रही है। रूस खेरसन पर नियंत्रण का दावा कर चुका है। कुल मिलाकर यूक्रेन की बर्बादी तेजी से हो रही है। वो शहर जो पहले गुलजार रहा करते थे वो अब खंडहर बन चुके हैं। मारियूपोल हो, चर्निहिव हो या माकीवका, सबकी बर्बादी की ऐसी ही तस्वीरें हैं। एक जैसी तस्वीरें, एक जैसी कहानी। यूक्रेन के कीव से गौरव सावंत, राजेश पवार, दोनेत्स से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।